मध्य प्रदेश भाजपा में होगा बड़ा बदलाव, भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, भाजपाइयों के उड़े होश। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव की संभावनाओं को लेकर एक बार फिर चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह पहले अध्यक्ष रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर या संगठन के जानकार कैलाश विजयवर्गीय को कमान दी जा सकती है। इनके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दो नाम है। बदलाव की यह चर्चा दिल्ली में बीजेपी के तीन शीर्ष नेताओं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की बैठक के बाद सामने आई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित पांच राज्यों में चुनाव की तैयारी को लेकर बात हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि तीनों नेताओं ने संगठन के खाली पदों को भरने के साथ ही मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों में संगठनात्मक बदलाव पर चर्चा भी की है। आपको बताते चले कि पार्टी के एक पदाधिकारी का कहना है कि हाल ही में कर्नाटक चुनाव के नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी नाखुश थे, इसके पीछे कमजोर संगठन को माना जा रहा है। बीजेपी ने तीन महीने पहले राजस्थान, बिहार सहित चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, जबकि चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष को आठ महीने पहले ही बदल दिया था। शर्मा का तीन साल का कार्यकाल इसी साल 15 फरवरी को पूरा हो चुका है। उनके एक्सटेंशन की कोई घोषणा अब तक नहीं हुई है। इससे पहले जिस राज्य में भी अध्यक्ष को एक्सटेंशन दिया वहां इसकी घोषणा कर दी गई थी। बिना घोषणा के प्रदेश अध्यक्ष के इतने लंबे एक्सटेंशन का दूसरा उदाहरण नहीं है। शिवराज सिंह चौहान 13 से 14 जून को दिल्ली जा सकते हैं। उनके इस दौरे को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।